का पास आया, फिर उससे शादी करके मुझसे छीन लिया मेरा बेटा। आप समझ में आया, ये सब कुछ किया धरा इसकी माँ का है, तभी इसकी माँ रोजाना इसे यहाँ भेजा करती थी। बस राबिया बेगम बस, बहुत हो गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, आज तक आप मेरे बारे में जो कुछ कहती रही मैं सुनती रही और बर्दाश्त करती रही। लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मरी हुई मां पर इल्जाम लगाने की? और अपनी गलत फहमी आप दूर कर लें, ना तो मैंने आपके बेटे को फंसाया है और ना शादी करके उसे आपसे छीना है। पूछे इनसे, ये आपके बेटे खुद मेरे पास आते थे, मेरे पीछे पीछे आते थे, जिद करते थे शादी करने की। अरे मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, इन्होंने मुझसे जिद करके मुझे शादी के लिए राजी किया। पूछे ना। राबिया, राबिया, मामा प्लीज, आप ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ है रे, आज फिर से ड्रामा कर रही है, जैसे उस रात किया था हमारी शादी की रात। मुझे अपने बेटे से दूर करने के लिए है ना, आज भी वही सब कर रही हैं। अपनी बीमारी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं और फिर इल्जाम देती है मेरी मरी हुई माँ पर। अरे आप तो हैं ही झूठी मक्कार मुनाफिक, क्या आप मुनाफिक? शौक था ना तुम्हें इस घर से जाने का, तो चली जाओ यहां से, तबाह हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। पानी लेके आऊंगा। सॉरी। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम राबिया बेगम के सामने जबान चलाओगी? कुसिया बीबी, अभी तो तुम्हें इस घर से निकाला है, बहुत जल्द तुम्हें इब्राहिम की जिंदगी से भी निकाल दूंगी।